Marina Sandej, vai. स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में, मैं उफात काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है। बताने चले हैं आपको कि डीएफए का फुटबॉल लीग टूर्नामेंट फिर आरंभ हो गया। 29 टीमों के साथ डीएफए मऊ में करा रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट। स्वर्गीय महेश चंद आर उर्फ बच्चा बाबू के नाम पर उनकी यादगार में किया जा रहा है, जिस मुख्य अतिथि के रूप में नीलम सर्राफ को बुलाया गया था। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि मऊ में चल रहे डीएफए का विवाद, वास्तविक डीएफए क्या है, 4 टीम वाला डीएफए या 29 टीमों का डीएफए, और इन टीमों का मतभेद क्या है। आगे हम आपको दिखाएंगे हाजी शफीक अहमद डायमंड साहब एवं डीएफए सचिव व डीएफए टीम ने क्या कहा, साथ ही मुख्य अतिथि नीलम सर्राफा ने भी क्या कहा। आइए वीडियो देखें। मैं उसके घर में एक गोल बात कर एक जीरो की बढ़त बना ली, स्कोर 1-0। काफी जो जद्दोजहद करना होगा मैं उसको तय करने के लिए यंग स्टार क्लब मऊ को, मगर फिर भी खिलाड़ी नर्वस नहीं है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में काफी हौसला दिख रहा है। हाईलाइट करना है मैचों को ना, उस हिसाब से बना और ये बॉल आउटलाइन से बाहर, एक थ्रो मिला माडरन क्लब। आज स्वर्गीय महेश चंद आर उर्फ बच्चा बाबू जिला लीग फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। कैसा आप महसूस कर रही हैं, और ये एक पहला मैच होगा जो महेश चंद आर्य जी के नाम से किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, हमारे परम पूज्य आदरणीय ससुर जी समाज के प्रति समर्पित रहे हैं, तो उनके याद में अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रहा है, प्राउड हो रहा है ऐसे कार्यक्रम में आना। और मैं बच्चों को इनकरेज भी करना चाहूँगी कि बच्चे खेलें, आगे बढ़ें, हमारे मऊ का, हमारे देश का नाम रोशन करें। आज का मैच देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को और प्लेयर्स को कुछ कहना चाहेंगी? बिल सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब आगे बढ़े, फिट रहे इंडिया, और तभी तो खेलेगा इंडिया। खेलो इंडिया, खेलो और जीतो भी, और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। आज हमारे जनपद के प्रसिद्ध स्वर्गीय महेश चंद आर्य सोना व्यवसायी जी के नाम से उनकी याद में जिला लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 की जा रही है। जैसा कि मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले भी 4 टीमों को लेकर एक लीग हुई थी जी, उस लीग में और इस लीग में क्या अंतर है? देखिए, उस लीग और इस लीग में अंतर यह है कि ये जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया, जिसमें मऊ की 29 टीमें भाग ले रही हैं, और वो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ, जिला फुटबॉल संघ की जो है उसमें सिर्फ ज़िले की 4 टीमें हैं। और ये क्यों बनाना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर फुटबॉल ज़िला फुटबॉल संघ एसोसिएशन क्यों बनाना पड़ा। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने कुछ ऐसी शर्तें यहाँ के क्लबों को सब डिवाइड कर दिया मऊ की, अब मऊ की टीमों को डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसी शर्तें रखी जिसको यहाँ की क्लबों को मानने के लिए मजबूर कर दिया, और जो हम मान नहीं सकते थे, जिसमें सबसे पहला ये था कि इन्होंने 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के नाम पे हमसे मांगा कि आप 15,000 रुपया फी क्लब सिक्योरिटी मनी जमा करें, अगर क्लब की तरफ से किसी खिलाड़ी ने या क्लब के ने कोई गलती की तो वो पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी शर्त तो उन्होंने ये रखी कि क्लबों, जिन क्लबों के नाम से यहाँ की क्लबें चल रही हैं, फुटबॉल क्लबें चल रही हैं,
उनका नाम बदल करके ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जैसे यही आज़ाद स्पोर्टिंग है, आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब का वजूद आज से 50 साल हो गया। 50 साल से यह क्लब चल रही है और 50 साल से ये क्लब निजी क्लब है, इनका क्लब है और हमारे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन भी है। हम ये चीज़ कैसे कर सकते थे? यही पोजीशन मऊ स्पोर्टिंग के साथ थी, उसका अपना क्लब है, उसका अपना नाम है जो चला आ रहा है 50 साल से। तो ये सब रहते थे जिनकी वजह से हम लोग इसमें शामिल नहीं हुए। अच्छा, लोगों में बात शंका का विषय ये बना हुआ है जी कि एक लीग वो भी हुई है 4 टीम की, एक हाँ। लीग ये भी हो रही 26 टीम की, हाँ। दोनों में से 29 टीमों की ये लीग है। 29 टीम में से भी एक टीम निकली, उधर 4 में से भी एक निकली है, लेकिन नेशनल कौन सी टीम खेलेगी, 4 वाली की 29 वाली? कोई नेशनल ये नहीं है इसमें से, कोई चाहे वो है चाहे यहाँ से है, ये कोई नेशनल खेलने वाली नहीं है। ये तो लोकल क्लबें हैं, लोकल मैच होते हैं और जितने मऊ के आसपास ज़िले जितने हैं, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस में अधिकतर लोकल मैचेस जो है लोकल ही होते हैं, जो अनलीगल होते हैं वो DFA उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसलिए कि उनकी इतनी शर्तें हैं कि कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आज टूर्नामेंट नहीं करा सकता। ये हमसे इतनी डिमांड करते हैं कि हम पैसे कहाँ से ले आएँ। एक तो अब फुटबॉल का उतना क्रेज नहीं है, क्रेज ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अब हमको अभी परमिशन चाहिए फुटबॉल ऑल इंडिया कराने का, तो हमको 35,000 ऑल इंडिया देना है, 25,000 यूपी फुटबॉल संघ को देना है, 10,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ को देना है और 8 रेफरी और उसके साथ ऑब्जर्वर ये भेजते हैं, 8 रेफरी ऑब्जर्वर का एक दिन का जो है 800 रुपये के हिसाब से इनको पैसा देना है और सरकार की कोई इसमें मदद तो होती नहीं है। तो इस पैसे को लोगों के से जुटा करके खर्च करना है, इसलिए टूर्नामेंट फेल हो जाते हैं। इसके पहले हमने टूर्नामेंट का जब ऑल इंडिया प्रोग्राम बनाया तो इतनी उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने शर्तें रख दी कि हमको जो है अपना कुछ मैच रद्द करना पड़ा, जिससे हमारा लाखों रुपये का नुकसान भी हुआ। एक बड़ा मुख्य सवाल ये भी है जी कि स्वर्गीय महेश चंद आर्य जी के नाम पर इस मैच को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि देखिए, महेश चंद आर्य जी जो है अपनी ज़िंदगी में इस फुटबॉल से बहुत प्रेम रखते थे और इस क्लब से भी उनका प्रेम रहता था और हमारे पिताजी वगैरह जब मैच कराते थे तब ये उसमें पदाधिकारी हुआ करते थे, बड़ा दिलचस्पी बहुत दिलचस्पी लेते थे। तो हम लोग इसके पहले भी जो है क्लब के जो सीनियर लोग हैं जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके नामों से भी करा चुके हैं, इस बार हमारा प्रोग्राम महेश चंद बच्चा बाबू के नाम से कराने का प्रोग्राम बना और हम लोगों ने कराया। अच्छा, इस समय जो दो मामला चल रहा है कि DFA कोई कह रहा हमारी, कोई कह रहा हमारी है, तो हमारे चैनल मारीना संदेश के माध्यम से जी आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि यह हमारा जो जिला फुटबॉल एसोसिएशन बना है यही वास्तविक जो है फुटबॉल संघ है और इसी में पूरे ज़िले की टीमें हैं और उत्तर प्रदेश फुटबॉल को चाहिए कि इसको ही मान्यता दें और जो दूसरा जो है संघ है उसमें सिर्फ 4 टीमें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम याकूब अहमद है और मैं ये जो दूसरी कमेटी नई बनी हुई है मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। दूसरी कमेटी का मतलब? मतलब जो 28 टीमें हैं उसको, मतलब फुटबॉल को ज़िंदा रखने के लिए ये एक तरह से कमेटी बनाई गई है ताकि फुटबॉल फले फूले ज़िंदा रहे और सभी क्लबों का इस कमेटी के साथ काफ़ी यूनिटी के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और आज उसी की बुनियाद पर ये लीग टूर्नामेंट चल रहा है और आगे से हम आशा करते हैं कि 28 क्लबों को ही आगे से उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ मान्यता दे ताकि इस बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में उनके मनमाना जो नए जो कमेटी है मनमाना तरीके से जो 15,000 रुपये टीमों का रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फीस और क्लबों का नाम बदलना और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो काफ़ी फुटबॉल को पीछे ले जा रहे हैं। ये मऊ में इस वक्त ये 2 साल के बाद टूर्नामेंट हो रहा है, अगर ये इसी तरह से 1-2 साल अगर ना हो
तो टीमें क्या खिलाड़ी भी ख़त्म हो जाएंगे मऊ से फुटबॉल के। ये DFA क्या है? ये DFA एक प्राइवेट है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एक प्राइवेट है, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ भी एक प्राइवेट है, जिसका इसका खेल निदेशालय से एक समन्वय है, गठबंधन है। जो सरकार के पास योजनाएं होती हैं खेलकूद की, उसका ये फुटबॉल संघ या डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ उसका सपोर्ट करती है। तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ या उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के साथ इसके पास खिलाड़ी होते हैं और सारी योजनाएं सरकार खेल निदेशालय के पास होती हैं, तो दोनों के समन्वय से ये खेल कूद आपस में फल फूल रहा है। इदारमा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनपद में जो नए प्लेयर्स निकल रहे हैं जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उनके लिए DFA क्या कर सकता है? DFA तो ये चाहेगा कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, खेल करके आगे तक बढ़ें। और खेल तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है तफरीहन खेलते हैं। मऊ में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो ये सोचे कि हम खेल के आगे जाएं। पढ़ने वाले लड़के हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको आगे भेजा जा सकता है, पर ऐसे लड़के बहुत कम हैं यहाँ पे। इनको तराशने की ज़रूरत है। लोग कोई ऐसी योजना ही नहीं है जिनसे इनको आगे किया जाए, जोड़ा जाए। DFA तराशने का काम करता है, ये खिलाने का काम करता है? खिलाने का काम करता है। और तराशने का काम कौन करेगा? टीमें करती हैं। हमारा काम है आयोजन करना। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।